हेलो फ्रेंड, मैं हूँ अदिति। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हो आप सब? अच्छे हो? कैसी चल रही है सावन? तो सबकी, सारे मेरे व्यूअर्स को हैप्पी सावन। कैसी चल रही है आप सबकी सावन? देखो मैंने हरी हरी चूड़ियाँ ही पहनी है। देखो हरी हरी चूड़ियाँ ही पहनी है। हाँ, मैं सावन में मैरिड लड़कियों को हरी हरी चूड़ियाँ पहनना होता है। तो ये मेरी क्या है, पहली सावन है, तो मैंने पूरा एक्साइटमेंट से पूरी इतनी सारी चूड़ी पहनी है। और मुझे चूड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। देखो चूड़ी की, आवाज़ कितनी अच्छी लगती है ना, छन 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 छन। और देखो मैंने ना रेड पेंट भी लगाया है, ग्रीन ग्रीन टाइप का, टाइप नहीं है सॉरी, ग्रीन कलर ही है, ये लाइट ग्रीन है। सो मैं कैसी लग रही है, मेरी चूड़ी बताइए कैसी लग रही है। मेरी चूड़ी अच्छी लग रही है? अच्छी है ना। हाँ, तो मैंने ना आज ही पहनी है। आई नो कल से सावन स्टार्ट हुआ पर मेरे को याद नहीं था, तो मैंने कल ही जाकर चूड़ी खरीदी है ग्रीन ग्रीन, और मैं आज पहनी हूँ ग्रीन ग्रीन चूड़ी। और पता है आपको, मौसम यहाँ पर इतना अच्छा है कि मैं क्या बताऊँ, एकदम सावन वाला मौसम लग रहा है। सुहाना मौसम, सुहाना मौसम है, पर सुहाना सफ़र नहीं है। आई नो। सो मैं आज आप सबके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स लेके आई हूँ। पूछोगे नहीं कैसे टिप्स है? हाँ, देखना मेरे बालों पे कमेंट मत करना। आई नो मेरे बाल थोड़े चंपू टाइप लग रहे हैं, क्योंकि मेरे बालों में मैंने की हुई है ऑयलिंग, इसलिए मैं चंपू लग रही हूँ। और आज है कौन सा डे? थर्सडे। आज थर्सडे को ना हमारे यहाँ बाल नहीं वॉश किया जाता है, इसलिए मैंने ना बाल नहीं धोया, क्योंकि हमारे यहाँ क्या, सारी लेडी जो मैरिड होती है ना, वो थर्सडे के दिन बाल नहीं वॉश करती हैं, तो इसीलिए मैंने भी नहीं किया। मेरे मम्मी लोग ने बोला है ऐसा। हाँ, लॉजिक मत पूछना कि लॉजिक क्या है, ओके? तो मेरे को लॉजिक नहीं पता है। हाँ थोड़े बहुत पता है, लेकिन डिटेल में नहीं पता, तो प्लीज़ मत पूछना। एनीवेज ये सब बातें छोड़ो, मैं आज आपके सामने लेके बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स लेके आएंगे, तो उसका डिस्कशन करते हैं। समझ में आई बात? चलो पूछो क्या है। तो क्या है बताया जाए? अच्छा तो चलो बताते हैं। आजकल कुछ आपने सुना होगा, कुछ वायरल फैले हुए हैं। वायरल? हाँ, हमारे यहाँ बैंगलोर में तो बड़ा फैले हुए हैं। आपके तरफ फैले कि नहीं फैले मुझे नहीं पता, पर मेरे यहाँ तो फैले, इधर फैले हुए हैं। पूछोगे नहीं किस टाइप का वायरल है? ये देखो डेंगू टाइप का वायरल है, जिसको हम लोग एग्जैक्टली में डेंगू भी नहीं बोलते हैं, पर आई डोंट नो उसको नाम क्या है, डॉक्टर भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए अभी तक कि उसका नाम क्या है। तो एग्जैक्टली में क्या होता है इसमें, कि इसमें क्या हो जाता है, प्लेटलेट डिक्रीज कर जाते हैं फटाक से। मेरे साथ भी हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, एकदम पर्सनल वाला एक्सपीरियंस है। हाँ, इसलिए प्लीज़ हल्के में मत लेना आप लोग, एकदम मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसीलिए ये टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। इसलिए यहाँ पे ना लॉक कर लो जो भी बोलने जा रही हूँ। चलो चलो गाइस, मैं बताती हूँ अब आप टिप्स क्या है, टिप्स, ओके, सॉरी गाइस, टिप्स। चलो क्या है, क्या करना है अगर आपके प्लेटलेट डिक्रीज हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको पपाया लीव्स लेना है, पपीते के पत्ते को क्या करना है, उसको अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है, एकदम अच्छे से, उसमें ज़रा सा भी डस्ट नहीं रहना चाहिए। और फिर क्या करना है आपको, उसको तोड़ के ग्राइंडर में पीस लेना है, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के पीसना, क्योंकि थोड़ा उसमें का जूसी टाइप का आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, पीस लोगे, उसके बाद क्या करना है, चाय छन्ना से उसको छान लेना, उसके बाद उसका जो रस निकलेगा वो बहुत कड़वा होता है, मैंने पिया है, खुद पिया, बहुत कड़वा होता है। तो आपको क्या करना है, उसमें हल्का सा नमक डाल देना, या ब्लैक सॉल्ट डालो या फिर नॉर्मल सॉल्ट डालो, तो उससे क्या होगा ना कि थोड़ा सा टेस्ट में डिफरेंट आ जाए, तो आप उसको पी पाओगे, ट्रस्ट में, बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, बहुत ज़्यादा, मैं खुद पीऊँ, मैंने पिया एक वीक, सो मुझे पता है किस तरीके का होता है। पर आप पता है कि कड़वी चीज़ें ही आपको अच्छा प्रोडक्शन देती है, इसलिए आपको क्या करना है, उसको सुबह सुबह आपको खाली पेट में पी लेना है। उससे क्या होता है ना, बहुत स्पीड से प्लेटलेट्स इंक्रीज कर जाते हैं, तो प्लेटलेट जब इंक्रीज हो जाएंगे ना, तो आपके सारे अंदर के जो बीमारी है ना, सारे दूर हो जाएंगे। अगर आपको प्लेटलेट डिक्रीज हो गया है, और आपको अपने दवाई से पहले उसको इंक्रीज करना है, दवाई खा रहे फिर भी बहुत स्लोली स्लोली वो इंक्रीज हो रहा है, तो आप ट्रस्ट मी गाइस, ये वाला नुस्खा अपनाओ, आप पपाया लीव्स को पीसो, उसको छानो और उसको पियो, उससे ना यूं 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 हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं प्लेटलेट्स। मैंने खुद का एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं बता रही हूँ, फेक बिल्कुल भी नहीं है। और ये आपको ऐसा मत सोचना कि ये आपको पीने से गलत
होगा, गलत मतलब प्रभाव डालेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। इससे ना आपको मतलब इससे तुरंत के तुरंत प्लेटलेट्स इंक्रीज कर जाएंगे। समझ में आई बात? अगर मेरे पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो आप अपने आसपास अगर कोई बुजुर्ग हैं तो उनसे पूछ लो, जो ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनसे पूछना, वो लोग भी ये सजेस्ट करेंगे कि आप पपाया लिप्स के जूस बना के पियो, उससे बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाते हैं प्लेटलेट्स। पता है क्या, जब प्लेटलेट्स डिक्रीज होने लगते हैं तो हमें नहीं पता चलता, मुझे भी नहीं पता चल रहा था। ये ऐसा नहीं होता ना कि सडनली होता है, ये बहुत टाइम से धीरे 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 होते रहता है डिक्रीज। तो जब मेरा डिक्रीज हो रहा था प्लेटलेट, तो मैंने क्या नोटिस किया कि मेरे हाथों में और मेरे पैरों में ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो गया था, ब्लैक ब्लैक दाग हो गया था एकदम कहीं कहीं पे। तो मैं भी सोच रही थी कि ये क्या हो रहा है मेरे पैरों हाथों में। तो मैंने सोचा कि टैनिंग होगी, पर मैं तो घर से बाहर जाती नहीं हूँ, तो टैनिंग कैसे होगी। फिर मैंने ना ध्यान देना छोड़ दिया, मैं इतना नहीं ध्यान दी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वो बढ़ गया। उससे ही पता चल जाता है कि प्लेटलेट डिक्रीज हो रहे हैं। तो जब डॉक्टर ने बताया कि इनका 2 लाख से डायरेक्ट, मैंने एक बार एक दिन ना 2 लाख, मैंने ना जब मेरी तबीयत खराब हुई, मेरे 1 वीक फीवर रहे हैं, बहुत आना जाना फीवर हो रहे थे, तो मैंने क्या किया कि ब्लड टेस्ट हुआ मेरा, ठीक है, ब्लड टेस्ट हुआ। तो उसमें क्या हुआ ना कि ब्लड टेस्ट में मेरा जो प्लेटलेट था उस दिन 2 लाख है। जब मैं टेस्ट वेस्ट करा के घर आई तो उस दिन मैं बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया। तो फिर नेक्स्ट डे फिर से ब्लड टेस्ट हुआ, तो उसमें मेरे प्लेटलेट्स कितने हो गए, 50,000 प्लेटलेट्स हो गए। सोचो कितना जल्दी डिक्रीज कर गया, इतने ज़्यादा डिक्रीज हो गए। तो मैं तो फिर उस समय सर डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि हॉस्पिटल जाना है। तो मैं हॉस्पिटल गई, वहाँ पे मेरे को एटलीस्ट 6 to 7 बॉटल्स पानी के चढ़े, मैं थोड़ा स्टेबल हुई। तो मैं जब घर आई तो मैं क्या की, मैं ना पपाया क्लिप्स को क्या की ग्राइंड करके पीने लगी। तो पता है मेरा एकदम 2 दिन में प्लेटलेट्स इतना जल्दी इंक्रीज कर गया। फिर मेरे 2 दिन बाद टेस्ट हुए तो मुझे पता चला कि मेरे प्लेटलेट 2 लाख हो गए, 50,000 से 2 लाख हो गए। मैं जब हॉस्पिटल से आई थी तो 70,000 थे, और सोचो मैं घर पे आके यूं यूं प्लेटलेट्स को बढ़ा ली, 2 लाख हो गए थे प्लेटलेट मेरे। तो आपको भी पता है क्या गाइस, आपको भी ट्रस्ट करना होगा मेरे बातों पे, क्योंकि मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया। तो मैं कुछ गलत आपको नहीं बता रही हूँ। तो आपके अगर आसपास या फिर कोई भी रिलेटिव्स को के साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये नुस्खा उन्हें बताएं, इससे ना बहुत जल्दी फायदा होता है। तो ये तो बात हो गई कि जब प्लेटलेट्स डिक्रीज हुआ होने के बाद क्या करें। तो ये मतलब क्या होता है ना, ये वायरल ऑलमोस्ट डेंगू टाइप्स होते हैं, ऑलमोस्ट डेंगू टाइप्स होते हैं। और इसमें भी मतलब सारे जो बोला जाता है ना लक्षण और गुण सारे ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो ये तो हो गया कि पहले क्या करें, अब सॉरी बाद में क्या करें, होने के बाद, अब होने के पहले क्या करें ताकि हमें वो हो ही ना। आपको पता है गाइस, डेंगू मॉस्किटोज जो होते हैं वो हमारे नी के ऊपर कभी फ्लाई नहीं करते। तो उनका जो लेवल होता है ना डाउन का होता है, लेकिन काम बड़ा ऊपर का करते हैं। तो हमारे वो ना क्या करते हैं, वो हमारे नी के हमेशा नीचे फ्लाई करते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको हमेशा अपने नी पे कोकोनट ऑयल रब करनी है। क्या करनी है आपको, नी पे हमेशा कोकोनट ऑयल रब करनी है, हमेशा आपके नी पे कोकोनट ऑयल लगा रहना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं करना कि ऐसा ऐसा टप 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 चूरा है, इतना भी ज़्यादा मत लगा लेना। मतलब आपको इतना लगाना है अपने नी पे कि वो मतलब आपके घुटने में लगा रहे एनी टाइम, ताकि आप डेंगू मॉस्किटो जो होते हैं अगर आपके आसपास फ्लाई भी कर रहे हैं तो आपको वो बाइट ना कर पाए। तो आपको क्या करना है, अपने नी पे कोकोनट ऑयल को हमेशा दोनों नी पे रब करना है, आपको खुद भी करना है। आप अपने घर में बच्चे अगर छोटे छोटे हैं तो उन्हें भी आप उसके उनके नी पे रब रब कर दो, क्योंकि आप तो अगर घर से बाहर नहीं जाओगे तो इन केस आपके साथ नहीं हो सकता है, लेकिन आपके बच्चे तो घर से बाहर जाते हैं खेलने इधर उधर, फिर झाड़ियों के पास, पेड़ पौधों के पास, गार्डन में। तो उनसे उन्हें एकदम याद से उन्हें एकदम उनके नी पे कोकोनट ऑयल रब कर देना, बिल्कुल भी भूलना मत, क्योंकि अभी जो मौसम चल रहे हैं, अभी जो सीजन चल रही है ना, इससे बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। मैं खुद झेल चुकी हूँ भाई, बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मैं आपको खुद से पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, प्लीज़ कोई लापरवाही ना बरतें और इसे करें।
और अगर आपको मेरे टिप्स और भी चाहिए किसी भी चीज़ों से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर ये टिप काम करता है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूले गाइस। ओके, अगर आपको मेरा टिप्स अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ बताएं कैसा लगा, ये वर्क कर रहा है कि नहीं। ओके, वर्क तो बिल्कुल पक्का करेगा क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो प्लीज़ आप भी बताएं मेरे को कि ये कैसा वर्क कर रहा है। ओके गाइज, अगर आपको और भी टिप्स चाहिए स्किन रिलेटेड, हेयर फॉलिंग रिलेटेड, पिंपल्स रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड कुछ भी हो, प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू मी। प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि किस चीज़ का मैं और वीडियो बनाऊँ। अगर मेरी वीडियो आपको और भी चाहिए अच्छी अच्छी तो कमेंट करना ना भूले गाइस। ओके, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून विथ मी, मोर वीडियोज़ के साथ मैं आऊँगी तुरंत। ओके गाइस, बाय बाय, सत श्री अकाल, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।